अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज की व्लॉग में मैं ग्रॉसरी शॉपिंग करने वाली हूँ और आपको दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। फ्राई पैन था और एक कढ़ाई थी और दूसरे ग्रॉसरी आइटम जो हैं वो लेके आई हूँ। और सबसे पहले जब हम ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जाते हैं तो सबसे पहले लिस्ट ज़रूर बना लेनी चाहिए। आज मैं लिस्ट के बगैर गई हूँ तो देखें कितना ज़्यादा मैंने खर्च किया है। ये सबसे पहले तो मैं एक कढ़ाई मैं आपको दिखाती हूँ। ये नॉन स्टिक लेके आई हूँ, सोनिक्स की है। तो ये काफ़ी अच्छी है, ये थोड़ा ब्रांड भी अच्छा है और इसके जो हैंडल हैं वो फिक्स हैं, वो साथ उसके फिक्स हैं, इसीलिए बिल्ट इन है। तो ये काफ़ी अच्छी है और इसका जो लिड है वो भी काफ़ी मज़बूत है। तो लिस्ट के बग़ैर जब लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बजट काफ़ी ऊपर नीचे हो जाता है। तो अभी मैंने एक ये कढ़ाई ली और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, एक मैंने फ्राई पैन भी लिया है। ये स्टील का इसके ऊपर लगा हुआ है कि हाथ लगे तो जले भी ना, और शीशा भी इसका काफ़ी अच्छा है। ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी और प्राइस भी इसकी थोड़ी सी कम हुई हुई थी इसीलिए मैंने ले ली। तो और साथ ही इसके ये एक स्पून है, ये काफ़ी अच्छा है और ख़ूबसूरत भी था। तो साथ ही इसके ये फ्री मिल गया, अंदर ही था। ये साथ ही मैंने फ्राई पैन लिया है, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ। काफ़ी अच्छा है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और इसका हैंडल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और इसकी प्राइस भी ये 20% ऑफ पे ही था ये वाला भी। और साथ ही मैं दो बाउल लेके आई हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी प्राइस में मुझे मिल गए और किचन में मुझे ज़रूरत थी। आज मेट्रो पे काफ़ी अच्छे डिस्काउंट लगे हुए थे, ये इतवार का दिन था तो इतवार वाले दिन ज़्यादातर डिस्काउंटेड प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं। तो आज कुछ ज़्यादा ही लगा हुआ था तो इसीलिए मैंने ये थोड़ा ज़्यादा चीज़ें मैंने ले ली हैं। और ये एक मैंने सेट लिया है, ये अब फिरनी सेट कह लो इसको, या सवैया आप उसमें सवैयों वाला भी कह सकते हो। अगर कोई मेहमान आ जाए तो छोटे बाउल जो हैं वो आइसक्रीम के लिए भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो 6 बाउल उसके छोटे हैं और एक बड़ा है। और इसका कलर काफ़ी अच्छा था। तो ये सारी चीज़ें दूसरी जो कुछ महीने भर के लिए हैं और कुछ एक वीक के लिए हैं। और ये एक मेरी मायो वाली जो बॉटल थी वो ख़राब हो गई थी तो वो भी मैं साथ लेके आई हूँ। और साथ साथ मुझे ईमान ने चाय दी है, वो भी मैं पी रही हूँ। अभी ये लक्स साबुन, 3-4 किस्म के साबुन हैं जो हमने लिए हैं अपनी अपनी पसंद के लिए। जब ख़त्म हो जाते हैं तो मैं एक वीक के लिए लेके आती हूँ, बाद में फिर हम दोबारा जाते हैं तो वापस दोबारा ले लेते हैं कुछ ना कुछ। अलग अलग फ्लेवर और अलग अलग खुशबू वाले हैं। और साथ ही ये लिक्विड मैक्स बार जो धोने सब बर्तन धोने के लिए सर्फ एक्सेल है, ये काफ़ी बड़ा पैक होता है जो वो मैं लेती हूँ, छोटे में नहीं लेती कि काफ़ी अर्सा तक चल जाते हैं। वैसे भी रोज़ाना कपड़े धोने होते हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन में धोती हूँ। तो बड़ा पैक जो होता है वो मुझे थोड़ा सा
सस्ता पड़ता है इसीलिए मैं ले लेती हूँ। जो छोटे की प्राइस कम कभी हुई नहीं, 2 kg की कम हो जाती है, इसीलिए ये आज एक ही बस मैं क्लियर लेके आई हूँ और साथ ये स्पंज लेके आई हूँ। और कपड़े की भी ज़रूरत वहाँ नहीं पड़ती किचन में इसको अगर यूज़ किया जाए तो। ब्लू बैंड है, बच्चे खाते हैं ये, काफ़ी उनको पसंद है, घी भी होता है, मक्खन भी होता है, लेकिन फिर भी ब्लू बैंड भी अच्छा लगता है उनको। और ये चॉकलेट चिप है, ये अजीम को बहुत ज़्यादा पसंद है, ईमान भी खा लेती है। साथ नेशनल के मसाले मैंने लिए, 2 ही पैक लिए। कभी कभार जब कोई मेहमान आ जाता है या कभी हमारा दिल कर रहा होता है कि हमने कुछ अच्छा खाना है तो फिर हम मसाला इस्तेमाल कर लेते हैं। ये कॉर्न फ्लेक्स हैं, ये भी अजीम ने कहा था खास कि मेरे लिए लेके आना। तो जो जो चीज़ें बच्चे कहते हैं कि ये लेके आए तो फिर हम ज़रूर लेके आते हैं, ज़्यादातर बच्चे साथ नहीं जाते। चने लेके आई हूँ और स्पैगेटी और ये रंग बिरंगी सेवइयाँ जो कभी कभार हम बना लेते हैं, हमें अच्छी लगती हैं, ईमान को बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये सादा सेवइयाँ, कभी कभार अगर हमने मीठा बनाना होता है सेवइयों का मीठा भी बना लेते हैं। और ये साल्ट है और साथ ये शुगर के 2 पैकेट लेके आई हूँ, वाइट के, वाइट हम लोग खाते हैं और ये ब्राउन शुगर है, ये यूसुफ खाते हैं। और ये हफ्ते की कुछ है और कुछ महीने की है, तो साथ साथ मैं चाय पी रही हूँ। और यहीं तक मेरी थी वीडियो, अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय, अल्लाह हाफिज़।